हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एवरेज यानी कि औसत का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप अपना समय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 7,800 रुपये में खरीदी हैं। यदि एक मेज का औसत 750 हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? छह मेजे प्लस 12 कुर्सियां, का औसत है 7,800। एक मेज का औसत है 750। तो यहाँ से 6 मेजों का निकाल देंगे, 6 मेजों का कितना औसत हो जाएगा? 750 एक का है तो गुणा 6 कर देंगे, टोटल आएगा 600, 6×5=30, 0 6×20 की 0 चलेगा, 3 6×42 और 6 सर 3 हो गए 45। 6 में जो हो गया 4,500। अब 12 कुर्सी को निकालेंगे, 6 मेजों का मूल्य 4,500 रुपये है तो 12 कुर्सियों को निकालने के लिए 7,800 में से 4,500 रुपये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 3,300 रुपये। 12 कुर्सियों का हो गया 3,300 रुपये। एक कुर्सी का निकालने के लिए 3,300/12 कर देना है, एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए 3,300/12 कर देना है, 12 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 275। एक कुर्सी का हो जाएगा मूल्य हो जाएगा 275 रुपये, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है, 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में वह दूध 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से
खरीदता है और दूसरे वर्ष में 8 रुपये प्रति लीटर तथा तीसरे वर्ष में 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। तदनुसार यदि उसने हर वर्ष 4,080 का दूध खरीदता है तो उसके 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य प्रति लीटर कितना है। तो दूध का प्रति लीटर औसत निकालना है। टोटल जो उसका मूल्य है 4,080, वो हर वर्ष 4,080 का ही दूध खरीदता है, रेट बढ़ता रहे या घट जाए। तो उसने फर्स्ट ईयर कितने का खरीदा, 4,080 का किस रेट से, 7 रुपये 50 पैसे। तो उसने कितने लीटर दूध लिया, 7 रुपये 50 पैसे से भाग देंगे, पॉइंट डाल देंगे या जीरो कट जाएगी, फिर एक जीरो से जीरो कट जाएगी, तो ये आएगा 544 लीटर। सेकंड ईयर 4,080 का दूध खरीदा 8 रुपये की दर से, तो ये आएगा 8×5=40, 8×8 510 लीटर। थर्ड ईयर खरीदा उसने 4,080 का ही 8 रुपये 50 पैसे की दर से, वो ये पॉइंट हटा के जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड करना है ना, तो फिर जीरो से जीरो कट जाएगी, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट से पहले ये आएगा 480 लीटर। ये 8 रुपये 50 पैसे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों वर्ष का दूध निकल गया, कितने कितने लीटर लिया, तो इनको जोड़ देना है, प्लस कर देना है सारों को, 4,080 × 3 करना है, 12,240 भाग करना है इसमें। टोटल दूध कितने लिया है उन्हें, इसको प्लस करके तो ये आएगा 1,534। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.98 लीटर, यानी कि 7 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा है औसत उसने, 7 रुपये 98 पैसे की दर से, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक कक्षा में ए तथा बी दो गुट हैं जिनमें क्रमशः पर तथा 8 छात्र हैं। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ओके। क्वेश्चन होगा, एक कक्षा में ए तथा बी दो गुट हैं जिनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 केजी है और गुट बी का औसत भार 48 केजी हो, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। औसत भार निकालना है इसका, तो ए का निकालते हैं पहले। ए का औसत भार होगा ए बराबर
एक के लिए उसमें 42 है गुणा 25, टोटल हो जाएगा 1050। बी का निकालेंगे, बी का औसत भार निकालने के लिए बी में है 28, औसत भार है इसका 40 kg, तो टोटल कितना बैठेगा गुणा कर देंगे 1120। इन्हें जोड़ देंगे कितना होगा 2170, और बच्चे कितने बैठेंगे हमारे, ये हो जाएंगे 70। 70 से भाग देते हैं 00, 7 21, 7 7 31 kg, टोटल वेट हो जाएगा, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, समय दीजिए अपना इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, एक प्रे स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्र में से 30 लड़कियां का औसत वजन 16 kg है, यानी कि एक प्रे स्कूल है उसमें 50 छात्र हैं टोटल, जिनमें से 30 लड़कियों का औसत वजन है 16 kg और शेष छात्रों का वजन 15.5 kg, कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। तीस लड़कियों का औसत वजन है, कर लें 30, औसत वजन है 16 kg, यहाँ पे वेट कर लेंगे जो हो गया टोटल 480 kg बॉयज का गुणा टोटल वेट, जब 30 गर्ल है तो 50 में से कितने बचेंगे 20 बॉयज, कितना वेट है 15.5, टोटल वेट हो जाएगा 310 kg, इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 790, टोटल बच्चे कितने हैं 50, 00, 15.8 kg हो जाएगा, 15.8 होगा आज नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, धन्यवाद।